सबसे पहले आश्चर्य बेहद ही दुखद है, जिस पार्टी को एनडीए में सम्मान दिया जा रहा है, जिस पार्टी के नेता के साथ, तथाकथित नेता के साथ, जबकि वह नेता नहीं है, उसकी पार्टी जो है नाच और नौटंकी वाली पार्टी है, जिस पार्टी की ओर हम इशारा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, उस नाच और नौटंकी वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, यह देख लीजिए। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, आप देख लीजिए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज एनडीए के बहुत प्यारे हो गए हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि शराब तस्करी में नीतीश कुमार संलिप्त है, मेरी सरकार बनी तो इसकी जांच कर नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। यह टाइम्स ऑफ इंडिया का, न्यूज 18 का, हिंदुस्तान टाइम्स का, सारे। तो इसीलिए हमने एनडीए को लगातार मजबूत किया, हमारे नेता ने एनडीए को लगातार पूरी ईमानदारी से, एनडीए को पूरे तन मन से, पूरे ताकत से एनडीए को मजबूत किया। हमने 2024 में हमारी अनदेखी की गई, हमारी पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, 5 सांसद रहते हुए भी हमारी पार्टी के एक भी सांसद ने चुनाव नहीं लड़ा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़े, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी लगातार हमको हमारी अनदेखी की जा रही है। हम लोग एनडीए को लगातार 2014 से मजबूत कर रहे हैं और एनडीए में लगातार एनडीए में एक साजिश रची जा रही है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कमजोर करने की, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, एनडीए के द्वारा हमको कमजोर किया जा रहा है। निश्चित रूप से 19 और 20 तारीख को नवंबर को 19 तारीख को पटना में पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की, पूरे देश भर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उस दिन राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, अब प्रदेश कार्य समिति भी की ज्वाइंट बैठक बुलाई गई है। 20 तारीख को पार्टी के जिलाध्यक्ष की, दलित सेना के जिलाध्यक्ष की संयुक्त बैठक पटना में बुलाई गई है, दोनों बैठक पशुपति कुमार पारस जी की अध्यक्षता में होगी। पार्टी का जो निर्णय होगा, क्योंकि एनडीए में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एनडीए में जो हमारे साथ अनदेखी हो रही है, लगातार एनडीए की बैठकों से हमको दूर रखा जा रहा है, एनडीए की हर गतिविधि से हमको किनारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसको देख रहे हैं, 19 और 20 तारीख को पार्टी कोई बड़ा फैसला इसको लेकर ले सकती है।